गाइज, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय कितना दर्द सहन करना पड़ता होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कम कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, स्वागत है आप सभी का। गाइज, एक आम आदमी के मैक्सिमम दर्द सहने के लिमिट 45 डेली होते हैं। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है कि एक गर्भवती माँ जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं उस समय पे लगभग 57 डेल जितना दर्द सहन करना पड़ता है, और ये दर्द उतना ही होता है जितना कि 20 हड्डी एक बार में टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना दर्द होता होगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो माएं गर्भ अवस्था के दौरान तितली आसन करते हैं उसके डिलीवरी के दौरान जो दर्द होता है, ये जो पीड़ा होता है वो कम हो सकती है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे तितली आसन के बारे में, जिसे कई लोग मध्य कोण आसन के नाम से भी जानते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले मैट बिछा के उस पर बैठ जाए और उसके बाद अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाए और उसके बाद घुटने की तरफ से अपने पैरों को मोड़े। इस स्थिति में पैरों को उंगली के उनके पास से पकड़े और एरियो को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। ये करते वक्त आप ख्याल रखें कि आपका हाथ सीधे हो। ऐसा करने से आपके रीढ़ के हड्डी भी सीधे होंगे। श्वास को आप सामान्य रहने दें। अब दोनों पैरों को घुटनों को एक साथ ऊपर की ओर लाएं और उसके बाद फिर नीचे की ओर लाएं। जिस तरह से तितली अपनी पंखों को फैलाते हैं उसी तरह से आप अपने दोनों पैरों को करना है। आप अपने पैरों को लगातार 15-20 बार ऊपर नीचे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि ये आराम से करें, झटका देकर ना करें। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को फैला दे और अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। इसके बाद वापस अपने पूर्ण अवस्था में आ जाए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और वापस ये प्रक्रिया फिर दोहराए। ये था तितली आसन, जिसे हम बद्ध कोण आसन के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आपको आप बताते हैं कि इस आसन से क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे करने से डिलीवरी के वक्त होने वाला दर्द कम होता है। गर्भवती महिलाएं इन आसन को अपने पहले 3 माह से भी शुरू कर सकता है। ये आसन करने से आपको पिछले, निचले और जंघाओं के मांसपेशी के आंतरिक तनाव कम हो जाते हैं और जगह खुल जाते हैं, साथ ही घुटने को लचीलापन बढ़ जाता है। और ये ज़रूरी है कि आपको ये आसन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। इसके अलावा इन आसन को नियमित अभ्यास से आपका शरीर में लचीलापन बढ़ता है, यहाँ तक कि इससे मांसपेशी लचीला और मजबूत होते हैं। जिन लोगों को पैर मोड़ के बैठने में दिक्कत होती है, वो लोगों को ये आसन करने से उनकी घुटनों की दर्द खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति खड़े रहकर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, ये आसन करने के बाद पैरों की पूरी थकान मिट जाती है। तितली आसन करने से पैरों में खून का बहाव ठीक रहता है। गठिया और जोड़ों के दर्द में ये आसन को करने से काफ़ी आराम मिलता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होती है। चलिए इसी के साथ बता देते हैं हम आपको कि इस आसन को करते समय आप किस बात को सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो ये आसन को आप कभी भी ना करें। साथ ही साथ ये बात का जरूर ध्यान रखें, आप ये आसन करते समय ज़्यादा जोर से पैर को न हिलाएं, आराम आराम से करें। जितना हो सके उतना ही करें
और अभ्यास करते करते आपका पैर अच्छे से मुड़ने लगेंगे। उम्मीद करते हैं आपको तितली आसन यानी कि भद्रकोण आसन आपको बेहद पसंद आया होगा और आप इसकी लाभ भी जरूर उठाएंगे। गाइज है ना ये अमेजिंग वीडियो। गाइज ये वीडियो उन माओ के साथ या फिर उन महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो माँ बनने वाली है या फिर माँ बनना चाहती है। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड टिप्स पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।